मम्मी ने तय कर दिया राम मंदिर निर्माण का कैलेंडर, मुश्किल में मोदी सरकार, हाँ बोले या करे खारिज, मंदिर बना मोदी के गले की फांस। नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद मोदी ने अपना एजेंडा बताया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन पार्टी के कुछ नेता अलग ही पटरी पर दौड़ रहे हैं। घर वापसी और धर परिवर्तन का धुआं कुछ कम हुआ था कि राम मंदिर निर्माण के मुद्दे ने अब अंगड़ाई ले ली है। लो स्वामी ने तय कर दिया राम मंदिर निर्माण का कैलेंडर, मुश्किल में मोदी सरकार, हाँ बोले या करे खारिज, मंदिर बना मोदी के गले की फांस। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान देते हुए कहा कि 2019 तक राम मंदिर बन जाना चाहिए, और इतना ही नहीं, ऐसा ना होने पर स्वामी ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी। अब सवाल यह है कि क्या मंदिर मुद्दा फांस बन रहा है मोदी जी के लिए? किसने कहा कि राम मंदिर नहीं बनेगा? ये कैसी उलझन है? पीएम नरेंद्र मोदी विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का तो मन है कि मानता ही नहीं, वो चलना ही नहीं चाहते इन रास्तों पर। इनको जब भी करार आता है अपने अरमानों को हवा में लहरा ही देते हैं। अब राम मंदिर के मुद्दे ने अंगड़ाई ली है, स्वामी जी ने समय और मुहूर्त निकाला है अपने कैलेंडर के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि हमारे दृष्टि से अगले साल 2016 को कदम उठाने लगना चाहिए, और 1919 तक मेरी राय में मंदिर बन जाना चाहिए। स्वामी जी ने राम मंदिर निर्माण का कैलेंडर तय कर दिया, वो भी तल्ख तेवरों के साथ। बात बनेगी तो ठीक, वरना 10 तक कोर्ट के दरवाजे पर होगी। आज बहुमत है तो, और हमने मैनिफेस्टो में भी कहा कि ये लीगल सिस्टम के जरिए हो सकता तो करेंगे, इस लीगल सिस्टम के जरिए हो सकता है, और मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पर कदम उठाए, और यदि वो नहीं उठाएंगे 2016 में तो फिर मुझे विवश होकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूँ, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। मोदी इतिहास को भुलाकर नया भूगोल बनाना चाहते हैं, लेकिन सब मटिया मेट हो जाता है जब इनके बयान बहादुर मुंह खोलते हैं। वहीं राम मंदिर के पुजारी थोड़ी राहत दे रहे हैं, इनकी माने तो सबको साथ लेकर ही चलना होगा, अन्यथा छोड़ दीजिए अदालत पर। इसके यही रास्ते हैं कि दोनों पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित करेगा उसको हम दोनों पक्ष मानेंगे, तो यदि सबसे अच्छा ये है कि वो प्रतीक्षा करें या प्रयास करें कि 16 के पहले राम मंदिर का फैसला हो जाए और मंदिर निर्माण हो, अथवा उसके पहले यदि करना है कि हम 16 के पहले कर लेंगे तो दोनों पक्ष की समझौता, दोनों पक्ष की सहमति होना आवश्यक है। पीएम एक उलझन सुलझाते हैं तो दूसरी उलझ जाती है, इनके नेताओं के जज्बातों का जुगनू जोर मारता है तो जनाजा निकल जाता है जनता से जुड़े मुद्दों का। अब विरोधियों को फिर मौका मिल गया इन दरारों से झांकने का। और सुब्रमण्यम स्वामी को बयान देने की एक आदत है और बयानबाजी कर रहे हैं, इससे वो कहीं न कहीं हिंदुत्व को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो अब नेता नहीं रह गए हैं, वकील हो गए हैं, और उनका काम यह है कि हमेशा देश के अंदर कोई न कोई ऐसा बयान देते रहना जिससे देश के अंदर कुछ बवाल होता रहे। देखिए उन्होंने क्या कहा है, वो जिस संगठन के मंच पे कहा है वो मंच उसका स्पष्टीकरण उनका मंतव्य का देगा। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई बयान नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीतियां सभी प्रकार की हैं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। बहरहाल पीएम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास सरकार का पहला और अंतिम एजेंडा है, लेकिन मोदी जी के तमाम मुद्दे हिंदुत्व के हिचकोलों में हिलने लगते हैं। अब विकास के तमाम नारों के बीच निकले मंदिर के इस मुहूर्त ने मुश्किल में डाल दिया है मोदी सरकार को।
फिलहाल तो मंदिर बना है मोदी जी के गले की फांस, अब हां करें या खारिज। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। स्वामी के बयान के बाद बीजेपी के सामने असहज स्थिति, हां करें ना करें, खारिज करें माने, कोई भी जवाब नहीं। आईपी सिंह साहब शायद इसका जवाब दे पाए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ ओंकारनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपी सिंह साहब, 2016 में मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, 2019 तक बन जाएगा, मोदी सरकार ये करने जा रही है। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार, सब भारतीय जनता पार्टी के हम प्रवक्ता हैं और सरकार के बिल्कुल हम प्रवक्ता नहीं है। और सरकार का साफ साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास, और माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर समस्या कहीं दिखी तो समस्या भारत सरकार के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नाते इस देश में एक भी नहीं खड़ी हुई। समस्या किसी ने खड़ा किया तो राज्यसभा की कार्रवाई। सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उनकी बात को लेकर मेरा सवाल है, खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2016 में अगर भगवान राम का मंदिर, जो लाखों करोड़ों भारतीयों के श्रद्धा का केंद्र है, वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। नहीं, लेकिन पूरा कैलेंडर दे दिया, पूरा का पूरा कैलेंडर दे दिया, 2016 में निर्माण का काम शुरू होगा। आईपी सिंह जी, देखिए मुद्दे को अपन भटकाएं नहीं, बहस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। दो तीन बातें बहुत साफ है, हम ये विषय क्यों लेके आए पहले तो समझ लीजिए। यूं ही तो नहीं लाए, विषय तो तमाम थे, साध्वी प्राची पर ही चर्चा कर लेते, इतना उज्ज्वल आजकल वो बोल रही हैं, इल्ले पिल्ले क्या क्या बोल रही, लगता नहीं ये संत लोग हैं। खैर छोड़िए, वो साध्वी जी जाने, आप जानो, मैं विषय क्यों लेके आया। कैलेंडर महत्वपूर्ण है, 2019 का मतलब नया लोकसभा का ये जनादेश का समय होगा, मंदिर ही बनाना है तो शपथ लेने के तुरंत बाद ही काम शुरू हो जाना चाहिए था, फिर क्या दिक्कत थी। ये कैलेंडर बताता है कि यहां कहीं चुनाव की राजनीति भी दिमाग में है। एक, या सुब्रमण्यम स्वामी की बात को खारिज करिए, और सुब्रमण्यम स्वामी सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, ऐसे इतने छोटे कार्यकर्ता भी नहीं है कि भाई उनको क्या समझ। वो उन्हीं लोगों के बीच में मूव करते हैं जो लोग भाजपा के बड़े चेहरे हैं, संघ परिवार के बड़े चेहरे हैं। वो भागवत जी से भी मिलते हैं, कृष्ण गोपाल से भी मिलते हैं, भैया जी जोशी से भी मिलते हैं, उनके साथ भी संपर्क में रहते हैं, अशोक सिंघल जी के भी रहते हैं, मोदी जी के भी रहते हैं, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। अगर ये बात आईपी सिंह जी, एक मिनट, अगर ये बात प्राची ने कही होती तो मैं बहस नहीं लाता, उनकी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता। साक्षी जी ने कही होती तो भी बहस नहीं लाता, सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है, इसलिए सिर्फ विकास का इतना सवाल था। आप उसको स्वीकार करते हैं या खारिज करते हैं, बात खत्म हो जाती। इसमें राज्यसभा लोकसभा कहां से आ गई बीच में, सिर्फ सवाल इतना है। सवाल जब खड़ा यह होता है कि जब इंटायर संपूर्ण मीडिया कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे से डिरेल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा उन्हें अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए मैं साफ साफ बताना चाहता हूं किसी प्रकार का देश में अवरोध जनता नहीं उत्पन्न कर रही है, न समाज कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो गैर राजनीतिक दल, बीजेपी जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा आईपी सिंह जी, आप तो चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का वाजपेयी जी कहा करते थे, वैसा मत खेलो। आइए साध्वी प्राची किस पार्टी की मेंबर है, किसकी टिकट पर चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी की, बसपा की, कांग्रेस, आपकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी। उनका बयान के 40 पिल्ले, ये बयान अवरोध पैदा करने वाला है, सबका साथ सबका विकास है, ये सबका साथ और सबका विकास है। आदरणीय अमिताभ जी, अगर आपने कोई प्रश्न पूछा उसका जवाब भी ले लीजिए। साध्वी
प्राची भारतीय जनता पार्टी की इस समय ना वो नेता है ना प्रवक्ता है, और उनके किसी भी बयान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा सीधा सीधा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, यही और हम विकास चाहते हैं। अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो लाखों करोड़ों संत महात्मा इस देश में, उनकी बातों को इतने मैं समझता हूँ। आईपी सिंह जी, आप ना संत पे जवाब दे पा रहे हो ना सुब्रमण्य स्वामी गृहस्थ पे। अगर ये संत महंत है तो इनको पार्टी से निकाल के बाहर करो, ये संत ही करे फिर, चाहे जो बोले, चाहे 40 पिल्ले बोले, चाहे 80 पिल्ले बोले, आप इनको चुनाव क्यों लड़वाते हैं फिर? और जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, चुनाव भी लड़वाओगे अपनी टिकट पर आप, और जिम्मेदारी नहीं लोगे, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये चलेगा नहीं देश में। ये मित्र आप बाद में आएंगे, आपके पास ओंकार नाथ जी जी, सुब्रमण्य स्वामी को जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, लंबा अरसा रहा मुझे उनको देखने समझने का, हल्के नेता नहीं है, तथ्यों के साथ बात करते हैं, और उन्होंने अपनी मारक क्षमता कई बार साबित भी की है हिंदुस्तान की राजनीति में। एक बार तो सरकारी गिर गई थी वाजपेयी जी की, यही स्वामी जी थे, आसमान ते प्रगटे स्वामी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में अगर सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी को अपमानित किसी आदमी ने किया राज्यसभा में प्रकट होकर, तो सुब्रमण्य स्वामी ने किया, और फिर अंतर ध्यान हो गए। तो आदमी तो चमत्कारी है। अगर वो ये कह रहा है कि 16 में बनना शुरू हो जाएगा और 19 में फाइनल हो जाएगा, और 19 में ही है चुनाव, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा माना जाए सरकार का, या ये केवल स्वामी की एक तात्कालिक टिप्पणी मानी जाए? देखिए, स्वामी के इस बयान को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला तो ये है कि दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, और चुनाव में दिल्ली में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। खुद जो उनकी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है, उनके कार्यालय पे भी आज हमला किया गया, उनके चुनाव प्रबंधक ने इस्तीफा दे दिया था, बड़ी मुश्किल से शाम तक वो माने। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने एक शगुफा छोड़ा हिंदुत्व का, ये माना जा सकता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि इन्होंने देखा कि लोकसभा में भी इनको नहीं लड़ाया गया, राज्यसभा के इतने चुनाव हो गए उसमें भी इनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो अब ये कुछ विरोध की राजनीति करके सौदेबाजी पार्टी से करना चाह रहे हैं कि इन्हें कुछ तवज्जो दी जाए जिससे कि लोग इनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करें। यही दो चीजें मेरी समझ में आ रही हैं, तीसरी चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि स्वामी न तो कोई ऑफिशियल स्टेटस लिए हुए हैं, न तो कोई इनके पास इसमें कोई पद है जो कि ये जो बात कह दे वो अथॉरिटी हो जाए, ये किसी की सुन के या कुछ कहे तब भी करें। अभी एक बाबा जी का बयान आया था आचार्य का, उन्होंने भी बड़ी शालीनता से कहा कि भाई जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो या तो कोर्ट का फैसला 2016 के पहले आ जाए तब तो मंदिर बन सकता है, और नहीं तो आपसी समझौते पर राजी हो जाए कोई तब बन सकता है, लेकिन इस तरह से उनके कह देने से तो शुरुआत नहीं हो जाएगी। छत्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, ये तो अच्छी बात होगी आपके लिए, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया बीजेपी ने मंदिर निर्माण के लिए। नहीं देखिए, बीजेपी ब्लूप्रिंट क्या तैयार करेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग राष्ट्रपति से मिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात भी कही थी, और सरकार को भी भेजा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या केस लंबित है इसको फास्ट ट्रैक की स्थापना की जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हो गया। 2010 से अभी तक अपील पेंडिंग है और एक डेट भी नहीं पड़ा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने बयान में कि देवालय से पहले शौचालय, तो शौचालय की घोषणा तो उन्होंने लाल किले से कर दी स्वच्छता अभियान और अनेक के माध्यम से, अब आता है देवालय की बारी, तो देवालय का निश्चित रूप से 2016 से काम हो जाएगा जब राज्यसभा में थोड़ी बहुमत आएगी तो। और राम मंदिर बनने पे एक जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, तो राम मंदिर बनने में सबका विकास कहां रुक रहा है, उसमें भी सबका विकास संभव है, क्योंकि आप देखो राम देश की पहचान राम से कृष्ण से है, तो सवाल इस बात का इसमें अवरोध नहीं हो रहा है, तो राम की तो बनना है और बनना ही चाहिए, और हमारे हिंदुओं के राम है तो मुसलमानों के नबी है, तो सब मिलकर के भगवान राम का मंदिर बनाएगा, निश्चित रूप से बनेगा, और ये तो सब लोग मिलकर के इसमें किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक न होकर के बल्कि एक दूसरे के सहयोग करके और भव्य राम मंदिर महाराज जी बीजेपी न मानने को तैयार है और न ही इग्नोर कर रही है, दिक्कत ये है ना।
नहीं, बीजेपी माने ना माने, तो नहीं मानेगी तो फील गुड फैक्टर, जैसे पिछली बार फील गुड देश की जनता ने करा दिया था, तो इस बार भी फील गुड करा देगी। उसमें क्या है, देश की जनता, अगर देखो राम मंदिर के नाम पे देश की जनता ने वोट दिया है, गो हत्याबंदी के नाम पे दिया है कि अभी तक गो हत्याबंदी नहीं हुई, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो निश्चित रूप से राम मंदिर, गो हत्याबंदी और जितने और भी समान नागरिक संहिता, ये सब चीजें पूरा होनी चाहिए और 2019 तक निश्चित रूप से हो जाने चाहिए। नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रभाव मोदी जी पे पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा। तो जो देश की जनता है, जिन्होंने उनको पूर्ण बहुमत से जिताया है, जितने इन लोगों ने आशा नहीं की थी उसे कई गुना इन्होंने सहयोग किया था और सभी देश के संत समाज ने किया था, खड़े उतरना ही पड़ेगा और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वरना आप देखो कि पिछली गलती दोहराने, हमें नहीं लगता कि मोदी जी दोहराएंगे, क्योंकि पिछली गलती का परिणाम था कि 10 साल सत्ता से दूर रहना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, आईपीसी साहब जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। स्वामी के बयान को खारिज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन्होंने कैलेंडर दे दिया? आईपीसी साहब की आवाज आ रही है क्या? ये प्रश्न है, हाँ, मेरा सवाल है, आप स्वामी के बयान को खारिज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उन्होंने कैलेंडर दिया है? छोटा सा सवाल है। सवाल विकास जी ये खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर सवाल खड़ा कर दीजिए। जवाब अगर पूरा आप ले लीजिए तो पूरी बात आएगी, शायद आप अल्प में चाहते हैं दो शब्दों में इसका जवाब दे दिया जाए नहीं, तो हम पार्टली जवाब यस में भी देंगे, पार्टली नो में भी देंगे। नहीं नहीं, आप इतना बता दीजिए, खारिज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप डिस्क्राइब कर दीजिए। नहीं, खारिज उस विषयों पर करते हैं जो मामला अदालत में है। चलिए आप तो अदालत को तय करने दीजिए, और आपसी अदालत के बाद दूसरा रास्ता है आपसी विचार विमर्श। अगर आपसी विचार विमर्श से इसका रास्ता निकलता है तो जो सदियों बीत गई उस सदियां अब अगली सदी में ये मैटर मतलब नहीं जाना चाहिए। स्वामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपके मुताबिक स्वामी को ऐसा नहीं, कैलेंडर नहीं बताना चाहिए था, निदान होना चाहिए, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। जो देश में सदियों से होती रही अब आगे, आईपीसी साहब स्वामी को कैलेंडर नहीं बताना चाहिए, आपके मुताबिक स्वामी को कैलेंडर नहीं बताना चाहिए, फैसले का इंतजार करना चाहिए, ये आपने मैसेज दिया स्वामी को। उन्होंने कहा कि आगे अगर बीजेपी इस पर नहीं आगे बढ़ती है तब मैं अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। तो चलिए, बीजेपी बढ़ेगी कि नहीं इतना बता दीजिए, बीजेपी बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए ये बता दीजिए। आपसी विचार विमर्श और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने के बाद आगे बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये बोल दीजिए। लाखों करोड़ों का ये देश है, लाखों से बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके वरिष्ठ नेता की बात कर रहा हूँ, आईपीसी साहब आपके वरिष्ठ नेता की बात कर रहा हूँ। रोक लगा सकते हैं क्या? चलिए, रविदास मल्होत्रा जी, आइटम गर्ल कभी कुछ कभी कुछ, लगा देते जो मंत्री है उस पर रोक नहीं लग पाती, और आईपीसी महात्माओं के नकल कर सकते हैं। आईपीसी जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात मैं समझ गया, आपका धर्म संकट भी मैं समझता हूँ। रविदास मल्होत्रा जी, 16 में मंदिर शुरू होगा, 19 में बन जाएगा और 19 में है लोकसभा का चुनाव जी। ये सामान्य टिप्पणी है या ये भारतीय जनता पार्टी की नए अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? और 16 इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 16 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 तक राज्यसभा का बदल जाएगा जी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बगैर निर्णय के अगर कोई व्यक्ति ये बात करता है तो इसका मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने की बात करता है। मंदिर वहां बने या मस्जिद बने, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और वहां न्यायालय में मामला विचाराधीन है। देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सत्ता रूढ़ पार्टी का काम यह है कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। ये धर्म गुरुओं का काम है कि धर्म गुरु आपस में तय करके वहां मंदिर मस्जिद बनाने की बात करें। ये राजनीतिक पार्टियों का काम है कि जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, उनकी गरीबी दूर करने की बात हो, आज देश में विकास कैसे होगा ये बात हो, एक काला धन इस देश में कैसे वापस लौट करके आएगा
इससे ध्यान रविदास जी रविदास जी हो रही है रविदास जी मामला सुनो रविदास जी एक विचाराधीन है तो उस फैसले का इंतजार कर लीजिए जब वो फैसला वहां पर आ जाएगा ठीक है उसके बाद एक कोई कैलेंडर जारी हो रविदास मल्होत्रा जी अरे भाई विराम ले लो विराम ले लो ये उचित नहीं है ये देश में रविदास जी एक मिनट विराम ले लो आप इतना तेज बोलेंगे तो दर्शक समझ भी नहीं पाएगा आधी बीजेपी सबका साथ सबका विकास का गायत्री मंत्र पढ़ रही है आधी बीजेपी ये बता रही है कि कितने बच्चे पैदा करो कितने बच्चे नहीं पैदा करो घर वापसी करो और 1400 साल पहले ये कौन सा देश था आज कौन सा बन गया और मंदिर कब बनेगा तो बीजेपी ने तो आधा आधा काम बांट लिया आधे से कहा कि तुम छत पर खड़े होकर चिल्लाओ सबका साथ सबका विकास और आधे से कहा कि तुम ये कहो मंदिर बनाओ बच्चे पैदा करो ये करो घर वापसी करो और तमाम नाना प्रकार के कार्यक्रम करो तो बीजेपी ने तो अपना हिस्सा बांट कर लिया अब आपको देखना बाकी आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या करोगे बीजेपी ने तो बड़ा साफ सुथरे ढंग से विभाजन कर दिया रविदास जी आधे को इधर लगा दिया आधे को इधर लगा दिया अमिताभ जी यही नहीं आरपी सिंह जी अभी नहीं आरपी सिंह जी पर मुलायम आरपी सिंह जी चलवाई आरपी सिंह जी मारे गए अयोध्या में आरपी सिंह को पास क्या अधिकार है विकास पर बात नहीं हो रही है आज लोग ये चाहते हैं कि जो काला धन है विदेशों में वो इस देश में आए लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिले आज विकास के बाद के स्थान के ऊपर जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है वहां न्यायालय का फैसला नहीं आया है उस न्यायालय के फैसले के अलावा अगर कोई बात करनी है तो धर्मगुरु आपस में बैठ करके निर्णय कर ले लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम करना ये बात ठीक नहीं है ओंकार जी तो ओंकार जी मैं ये समझता हूँ ओंकार जी के क्या आप जो सवाल मैंने रखा है मल्होत्रा जी से पूछा वो आपसे पूछता हूँ कैलेंडर क्या बीजेपी ने आधा आधा पार्ट लिया अपने को चाहता है आधे लोग सबका साथ सबका विकास का नारा लगाए और आधे लोग घर रोजगार मिलेगा मंदिर बनाए मकान मिलेंगे इस बात में इस बात नहीं हो रही है और जो ब्लैक जमी है इस बात में दम है राशि ये क्यों चाहिए इसे लाया जाए इस पर बात हो जी उनका जी इसलिए आधे लोग विकास का नारा लगाते हैं कि जो आधे लोग जो हैं लोग हैं वो धर्म की बात करें हिंदुत्व की बात करें ताकि जो टेम्पो है वो बना रहे और जो हिंदुत्व इनके विकास से अगर मान लीजिए कि खिन्न होके छटकता है तो छटकने का प्रयास न करें इसमें आपकी बात में दम है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं आईपी सिंह साहब ऐसा है क्या विकास जी आपका चैनल है और मैं समझता हूं कि देश भर की मीडिया अपने तरफ से तथ्यों के आधार पर है तस्वीर सामने है धुंधली तस्वीर नहीं है आईपी सिंह साहब बिल्कुल तस्वीर साफ होनी चाहिए बिल्कुल धुंधली नहीं होनी चाहिए लेकिन भारत सरकार का जो एक एजेंडा है कि लगभग जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है हर देश का हर नागरिक का जो भी अधिकार है उसको सुरक्षित रूप से मिलना चाहिए देश का विकास होना चाहिए इस नहीं नहीं चार बच्चे दस बच्चे पैदा करने से विकास होगा क्या जवाब दे रहे हो मैंने कब कहा कि ये सब नहीं है एजेंडा आप मेरी बात पूरी सुने नहीं मित्र मैंने कहा आधी भाजपा एक वो किस फिल्म में था असरानी था आधे इधर आओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ क्या था ना जी तो वैसा आपने बांट लिया बीजेपी तो कांग्रेस पे लागू होता है आईपी सिंह जी नो कह रही है आईपी सिंह जी कुछ सवाल सवाल था कुछ पीछे जाओ कुछ बाएं जाओ आईपी सिंह जी सवाल सुन लीजिए मित्र भाजपा ने शीर्ष स्तर पर बंटवारा कर लिया आधों को इधर लगा दिया बोले तुम इस छत पे खड़े हो जाओ तुम चिल्लाओ सबका साथ सबका विकास एक कहेगा सबका साथ बाकी चिल्लाएंगे सबका विकास और एक कहेगा चार बच्चे दूसरा कहेगा 40 पिल्ले तीसरा कहेगा मंदिर बनाओ चौथा कहेगा घर वापसी कराओ दोनों अटारियां उसने कब्जा कर ली जो अगर इधर से वोट मिले विकास से तो इधर ले लो एक बात तो सुन लो और अगर इससे नहीं हो पाए काम तो इधर वाले से पकड़ लो दोनों घर अपने रहे ये रणनीति है क्या आईपी सिंह जी अमिताभ जी जी लगभग साढ़े आठ करोड़ सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है और जिनके रिकॉर्ड्स हैं वो 4 करोड़ और 4 करोड़ सदस्यों में 4 सदस्य अगर कुछ कह देते हैं उस पर चर्चा देश की मीडिया नहीं, करती नहीं, है। आपकी गलतफहमी है आईपी सिंह जी आप सुन लीजिए आपकी गलतफहमी है ये 4 करोड़ वाले लोगों की बात तो मैं करता ही नहीं
मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 100 लोगों में है भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप 400 करोड़ बता रहे हैं। मैंने कहा ननकू की बात की, बबलू की बात की, पप्पू की बात की, क्या झुमकू की बात की? नहीं ना, आप सुब्रमण्य स्वामी को 4 करोड़ सदस्य में बता रहे हैं क्या? गलत है भी, दिमाग से दूर करिए भाई। नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, उन्होंने नहीं, ये गलत है भी, दिमाग दूर करिए। और साक्षी, साक्षी क्या आपके 4 करोड़ में है? उन्होंने, अरे भैया बात सुन लिया करो, 73 लोगों में एक है साक्षी, 23 करोड़ में आपके। आप कैसी बात कर रहे हो? आप बता रहे हो 4 करोड़ लोग हैं साक्षी, प्राची, ये लोग 4 करोड़ लोगों में है क्या? ये 2016 में बिना कोर्ट के आदेश के ये आपके चेहरे की धमकी दे रहे हैं, ये संविधान सम्मत है? ये आपके चेहरे हैं और आप इनको 4 करोड़ में नापे दे रहे हो? ये बात सुब्रमण्य स्वामी के सामने खड़े होकर बोलने की हैसियत में है कोई भाजपा में कि भाई आप 4 करोड़ सदस्यों में से एक हो, आपकी बात का क्या मतलब बताइए, कोई है क्या? मैं मान लूंगा ईमानदारी है आपकी, कोई अनुचित बात स्वामी जी ने नहीं कही है। नहीं, आप ये बोल सकते हैं, एक सेकंड, आप स्वामी जी से एक्सेप्ट कर लिया ओंकार जी, अनुचित बात सुनिए ओंकार जी, ये तो आईपी सिंह जी ने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी बात को समर्थन दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ, या तो आप ये कह दो कि सुब्रमण्यम स्वामी के सामने मैं बोल दूंगा कि भाई आप 4 करोड़ में से, भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंदिर का कार्य प्रारंभ करे। नहीं, एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी क्या गलत बोल रहे हैं? शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी ने अपने को इस बयान से अलग किया, अलग किया है। और ये प्रवक्ता, आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिनेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी से अलग, इस बयान से क्या हो रहा है ये? विकास जी बिल्कुल, आप उनके बयान को देखिए, वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं। नहीं, नहीं, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं मानते तो मैं तो एक्सेप्ट कर लिया। आईपी सिंह साहब, जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दिया आपने, अब तो कोई संशय नहीं है ना, बोलिए जवाब दीजिए। अच्छा मैं कहता हूं, फिर चक्रपाणी जी महाराज जैसे खुल के क्यों नहीं बोल देते हो? जब बोलना ही है तो मन मन भावे मुड़ी हिलावे वाली बात क्यों करो? फिर सीधे जो चक्रवाणी जी महाराज कह रहे हैं उसी अंदाज में बोल दीजिए कि भैया आदरणीय चक्रपाणी महाराज, पंचों की राय सर्वाते पर नाला यही गिरेगा, अपना काम है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक पार्टी है, देश की लार्जेस्ट पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने आईपी सिंह जी के मुहाने पर खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी भारत की भी चिंता करती है और पूरे जगत की भी चिंता करती है। एक बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ठीक है, ठीक, एक बात आपको बता, सरकार की बातों को बढ़ावा नहीं दे सकती। एक सेकंड सुन लो, मैं एक बात बता दूं, पता नहीं तब आप कितने सक्रिय थे नहीं थे, जब पालमपुर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, वो वाजपेयी जी अडवाणी जी का युग था, उस वक्त अयोध्या का मुद्दा पहली बार भाजपा ने अधिकृत तौर पर अपने हाथ में लिया, उसके प्रस्ताव में उसका उल्लेख हो गया। उसके बाद यह फर्क करना मुश्किल हो गया 90 के दौर में कि ये बाबा है कि भाजपा है, बाबा भाजपा एक हो गए सब, ठीक, तब भी राजनीतिक पार्टी थी, तब भी इसका रजिस्ट्रेशन था पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, तब भी इसके संसद में सदस्य थे, विधानसभाओं में सदस्य थे, कोई पहली बार राजनीतिक पार्टी है क्या ये? तब भी थी। आज आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो राजनीतिक पार्टी है, हमसे इन सब चीजों का क्या लेना देना, इतिहास ने लेना देना देखा है आपका भाई, और आप उस पर गर्व करते थे, सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली थी। देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुमत की सरकार बनी है, तो फिर बोलिए ना, देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारत में जो सरकार है, साफ साफ कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, आईपी सिंह साहब, एक प्रवचन नहीं, सीधा सवाल, कभी बर्दाश्त। आईपी सिंह साहब, 16 को मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, 19 तक बन जाएगा, ये आपने मान लिया, ये बीजेपी करना चाहती है, यानी कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह देंगे, इस तरह का ब्लूप्रिंट दिख जाएगा सरकार के स्तर पर, आप कह रहे हैं। विकास जी आप स्वतंत्र हैं, आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ये आपकी बात में बोल रहा हूं, आपने कहा उन्होंने अनुचित नहीं कहा, बहुत सही कहा, तथ्यों पर वो बात करते हैं। ये साफ साफ कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से भी निवेदन करता हूं
कि जो उसके मैनिफेस्टो में है कि भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की ना आपके मुताबिक, लेकिन ठीक है आईपी सिंह की आपकी बात आ गई। अब आपके पास कुछ नया नहीं, अभी नया नहीं, बहस में थोड़ा रुकी, अभी नया नहीं। रविदास जी, आप सीजेंड और सीनियर पॉलिटिशियन है, मुझे बताइए 16 बहुत महत्वपूर्ण है, 16 को पकड़ के रखिए, 17 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 19 में देश का चुनाव है, क्या आपकी समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूर्व मंदिर का कार्ड खेलेगी? क्या आपको ऐसा लगता है सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के आलोक में? आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही है। ओमकार नाथ सिंह जी, यही सवाल ओमकार नाथ जी आपसे, क्या आपको लगता है कि 17 में यूपी और 19 में देश के सामने जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी वहां अयोध्या में इस एजेंडे को लागू करने की स्थिति में खुद को दिखाने की कोशिश करेगी कि हां हमने बनाना शुरू किया? देखिए, इसकी संभावना तो है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से मैं इसको इतना सीरियस नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं फिर अपनी उस बात पे अडिग हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको दो मुद्दों पे किया है। अगर पार्टी का इसमें पीछे से वरद हस्त है तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें सिर्फ दिल्ली राज्य के चल रहे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस पासे को फेंका है कि इस पर बहस हो और लोगों का एक मत बने और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव में लोग एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और दूसरा ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने देख लिया है कि अब उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 70 के ऊपर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ बना नहीं रही है। न तो उन्हें गवर्नर बनाया गया, न उन्हें MP बनाया गया, मंत्री बनने की बात तो दूर है। इसलिए अब वो दो दो हाथ करने के विचार कर रहे हैं कि हम इस तरह से करें तो हो सकता है कुछ हमको बार्गेनिंग में पावर में मिल जाए, और नहीं हो सकता है तो फिर लड़ाई लड़ेंगे, जैसा कि वो अकेले लड़ते हैं वो लड़ेंगे इनसे। अरे चक्रपाणी जी, भाजपा मंदिर की राजनीति का एक बार फिर से उपयोग करना चाहेगी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, ऐसा लगता है क्या आपको, या सुब्रमण्यम स्वामी की बात बस यूं ही है मुंह में आई और बोल दिया? देखिए ऐसा है, जो अभी मैं आपको बता दूं जी अमिताभ जी, देखिए लोकसभा इनका कार्यकाल 2019 तक है, और 19 तक जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है, निश्चित रूप से आप मान जाइए कि 19 के तक इनको राम मंदिर काले धन लाना और गो रक्षा केंद्रीय कानून बनाना इसको तो करना ही पड़ेगा, वरना आप ये देखिए पिछली बार की सरकारें इनकी जो थी नहीं कर पाए और 10 साल तक पीछे रहे। अब अगर नहीं किए तो चाहे कितना भी विकास की बातें करे, बातों में कोई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने या हम लोगों ने भी जो समर्थन दिया है राम मंदिर के नाम पे दिया है, गो हत्याबंदी के नाम दिया है, काला धन वापस लाने के लिए दिया है, और 2019 तक इनको करना ही करना है, वरना 20 वर्षों तक के लिए पीछे चले जाएंगे। तो ये जानते हैं अच्छी प्रकार से, क्योंकि इनको कोई देश की जनता उनको नहीं करेगी, चिकनी बातों में नहीं पड़ने वाली। और राम मंदिर को मुद्दा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं चाहता कि और लंबा खींचे, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो, चाहे सरकार अध्यादेश ला करके करे, लेकिन 2019 के पहले तक इनको पूरा प्रयास करके बनाना पड़ेगा, अन्यथा इनको खामियाजा 20 वर्ष तक के लिए भुगतना पड़ेगा। अमिताभ जी, आईपी सिंह जी, क्या संसद में कानून बना के अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता खोलने जैसा कदम उठाएगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहले चक्रपाणी जी का हिंदू महासभा का जवाब देना चाहता हूं जी। श्री अमिताभ जी, देखिए इनका अपने विचार हो सकते हैं कि बीजेपी इन कारणों से सत्ता में आई और उसका आकलन नहीं, वो कह रहे हमने भी समर्थन दिया था इसीलिए, ये भी कह रहे हैं वो। जी जी, समर्थन तो पूरे देश की जनता ने दिया, तब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट मैंडेट मिला। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी देश की संसद में जो दिया है, मेरी विधानसभा में लोगों ने मांगा, मैंने कहा ठीक है मैं भी देता हूं। ठीक बात है, मैं सहमत हूं। अगर देश की संसद में अभी बहुत सी चीजें आनी बाकी है, अभी बहुत से अध्यादेश जो लंबित पड़े हुए हैं, उसमें मैं ये निवेदन करना, बाकी मेरी रुचि नहीं आज, मेरी रुचि है क्या मंदिर पर भी अध्यादेश आएगा 16 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, मैं उस पर आज बहस लेके आया हूँ, बाकी तो आते ही रहेंगे अध्यादेश। आदरणीय अमिताभ जी, केंद्र में जो सरकार है अभी वो 7-8 महीने की सरकार है, निश्चित रूप से उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। देश की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से इस सरकार ने उबारा है,
काम बहुत बाकी हैं, यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था में ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे, सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए ना। ठीक है, उनके अपने विचार है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार का सहमत है ना, संतुष्ट है और सरकार कितना पालन करेगी ये तो सरकार उनके विचार आप अलग करते हैं, फिर कहते नहीं मैं सहमत हूं, समझ नहीं आता आप घालमेल क्या कर रहे हैं, आप उनके विचार से सहमत हैं, बोल चुके हैं आप। मैं उनके विचार से सहमत, विकास जी मेरी बात को भी तो ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पार्टी और सरकार से करूंगा, अगर सरकार और बीजेपी नहीं मानती है तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, इस आधार पर मैंने कहा नहीं, नहीं। मैं स्वामी उन्होंने ये कहा कि 2016 में निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, 19 तक बन जाएगा, न सरकार ने कोई एजेंडा तो उन्हें दिया नहीं इस प्रकार का, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कैसे कहा, वो तो बिना तथ्यों के बात नहीं करते हैं, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, देश के वरिष्ठ नेता हैं, शायद देश की राजनीति में उन्होंने लगातार बहुत हस्तक्षेप किया है, तो न्याय के लिए लगातार लड़ते रहे, ठीक है आईपी सिंह, ठीक है ओंकार जी, आप लड़ते रहे भैया, ठीक है आईपी सिंह जी, ओंकार जी, एलके अडवाणी जैसे बड़े नेता जिसका करीब 55 वर्ष का सार्वजनिक जीवन का कार्यकाल, 5 यात्राएं पूरे देश की, मेरे ख्याल से इतनी यात्राएं किसी राजनेता ने नहीं की, किसी ने नहीं, गांधी जी के बाद किसी ने इतनी यात्राएं की ही नहीं इस मुल्क की, इतना सब कुछ जब उसको पूर्ण मौन के लिए राजी कर लिया इस नए नेतृत्व ने कि पूर्णतः खामोश, एक शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है ना, खामोश। हाँ। अब उनका ब्लॉग भी बंद हो गया, पता है ना आपको, ब्लॉग पर पहले कुछ लिखते थे वो भी नहीं लिखते, ठीक है ना, मुरली मनोहर जोशी मौन हो गए, जब इतने बड़े बड़े मौन हो गए तो स्वामी जी, साक्षी जी, प्राची जी, ये लोग मौन क्यों नहीं हो पा रहे, ओंकार जी इसको क्या मानूं, साक्षी जी इसको क्या मानूं मैं, देखिए साक्षी जी और जो साध्वी है ये तो इनके उसका एक अंग है और जो इनका जो चल रहा है उसके हिसाब से ये उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जो आपके का आकलन है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के मूड में हैं और इसकी वजह से ये कार्य कर रहे हैं, मेरी स्पष्ट धारणा इस चीज की है, वरना सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी की इच्छा के विरुद्ध बोलते नहीं और ये चाहते हैं कि या तो कुछ इनको मिल जाए और नहीं तो फिर ये बीजेपी से अपना अकेले चल के और लड़ाई लड़ने के पक्ष में। ओंकार जी मेरा सवाल दूसरा था, मैं उसको और साफ कर दूं, मैं उतने कड़े शब्दों में कहना नहीं चाहता था, मोदी जी की इच्छा के विरुद्ध भाजपा नहीं पूरे संघ परिवार के 84 संगठनों में कोई नहीं बोल सकता, ये जान लीजिए, जो बोल रहा है वो फिर उसी कारण से बोल रहा है कि भाई ठीक है चलो इतनी दूर तक जाने की अनुमति दी, ऐसा कोई बलवान नहीं है पूरे संघ परिवार में जो मोदी जी की इच्छा के विरुद्ध जाके ताल ठोक दे पब्लिक में, कोई भी नहीं, मैंने उदाहरणों गिना दिए, अडवाणी जी मौन हो गए, जोशी जी मौन हो गए, कितने मौन हो गए, ये लोग कहां लगते हैं, कोई बोल सकता है मजाले, 5 मिनट में भूतपूर्व हो जाएगा आदमी, 5 मिनट में, गुजरात में कितने लोग थे बोलने वाले, फिर कोई दिखा आपको कभी बोलने वाला नहीं ना, आईपी सिंह जी देश में ये क्यों नहीं माना जाए कि जो भी लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन हासिल है अंदर खाने, क्योंकि आपके जो नेतृत्व है आज का मोदी जी का वो इतना समर्थ नेतृत्व है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध तो सारे लोगों को मौन ही होना पड़ा, सिंह साहब देखिए मेरा ये मानना है जी, मुझसे पूछा आपने कि आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, अच्छा श्री अमिताभ जी, जी अगर प्रश्न पूछने की बात है और मतलब इस प्रकार का जो चर्चा हो जाती है पूरे देश में कि आज बीजेपी के फला नेता ने या फला संत ने ऐसी बात कही, तो यूपीए के 10 वर्षों के एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 वर्षों की सरकार में देखिए बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग लगातार सरकार के सामने मुसीबत खड़ा करते रहे, तो लोकतंत्र में किसी की इसका मतलब ये लोग मुसीबत खड़ी कर रहे हैं सरकार के सामने, ये कह रहे हैं आप, बेनी प्रसाद को भी कांग्रेस नेतृत्व का प्रकारांतर से बरदहस्त हासिल था,
वहां होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का चलेगा उनका मान लो और अपना नहीं मान लो, ये नहीं चलेगा भाई ना, ये नहीं चलेगा। आईपी सिंह जी उनका बता दो हाँ और अपने में कहो ना। नहीं, कह रहे हैं कि मुसीबत खड़े कर रहे हैं लोग, खुद ही कह रहे हैं कि पहले यूपीए सरकार में भी थी मुसीबत खड़े, तब ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आईपी सिंह साहब यही है ना? देखिए इस इन छोटी छोटी बातों से मुसीबत नहीं खड़ी होती है, ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं। चर्चा हुई इस देश आए तो 26 करोड़ आबादी है, कितने लोगों का धर्मांतरण हो गया, ये छोटी बात यहां को लेकर चर्चा आप लोगों ने छोटी बातें क्या, कितने लोग क्या बोल रहे हैं, हो गई चार बच्चों को पिल्ले बताइए, छोटी बातें मान रहे हैं आप, शर्मानी चाहिए आपको। तो कार्रवाई अगर वो कह रही है, कार्रवाई बात अगर संविधान के विरुद्ध बात करती हैं, अब समझ में आया कि किस तरह की जहां बातें आप महाशारी महाराज जी से सवाल लेंगे, यही लेंगे सवाल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटना जल्द। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए और जिस बात को लेकर चर्चा है उसका ठोस जवाब जरूर मिल रहा है। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए। चक्रपाणी महाराज जी, आप लगातार सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, हर बार का इतिहास है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा उठ जाता है, फिर नतीजा भी आपको पता है, ये तो आपके सामने अनवरत होता रहा है, फिर भी आपका लचीला रुख इस तरह का है। जी बोलिए। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहते हैं कि तो हम लोग गो भक्त हैं, हम लोग राम में आस्था रखते हैं और काफी एक पूरे विश्व में राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार से गो हत्या जोरों पे हो रही थी, पिछली सरकार के द्वारा कुछ नहीं हुआ, तो एक आशा पाले हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही आशा है, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ दांव पे लगा करके पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है 2016 तक सब समर्थन दे रहा है, ताकि हम लोग की निगाह है कि 2016 में राज्यसभा में बहुमत होगी, क्योंकि आशा ऐसी दी जा रही है, ऐसा विश्वास कि बहुमत राज्यसभा में हो जाने के बाद निश्चित रूप से राम जन्मभूमि के लिए और इसके गो रक्षा के लिए काम करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब भी हम लोग जाते थे मनमोहन सिंह के यहाँ तो कहते थे जी, इनकी जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस समय कहा जाता था जी राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है, तो हम लोग 5 साल तक धक्के ही खाते रह गए 6 सालों तक। अब पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और 2016 में राज्यसभा में भी बहुमत हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इसके बाद हमें लगता है जो गो हत्या जोरों पे हो रही है वो निश्चित रूप से खत्म होगी। और ये सब चाहता है, हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं, राम मंदिर भी भव्य बनेगा, तो ये सब करना ही करना है। अगर 2000 आईपी सिंह साहब इसीलिए शायद स्वामी ने बयान दिया कि 2016 में स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आईपी सिंह जी देश को गुमराह ठीक है महाराज, आईपी सिंह जी लोगों में और हम लोग खुद विद्रोह कर देंगे, लेकिन भाजपा का जो एजेंडा चक्रपाणी जी बता रहे हैं इनको पता है, वो आपको क्यों नहीं पता भाई? वो बता रहे हैं कि हम लोग मिलते हैं तो ये कहा जाता है भाई राज्यसभा में बहुमत आ जाने दो, 16 तक रुक जाओ, 16 के बाद सब कर देंगे। ये बात चक्रपाणी जी बोल रहे, तो जो बात इनको समझाई जाती है वो आप लोगों को नहीं बताई जाती क्या? श्री अमिताभ जी जी, चक्रपाणी महाराज की बात तो छोड़ दीजिए जी, आप कहीं चाय स्टॉल पर भी बैठ जाइए तो आम जनता में इस प्रकार की चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अस्पष्ट बहुमत नहीं था जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे काम करना चाहती थी। ठीक है, यानी अब भी चर्चा है कि 2016 में सब कुछ अच्छा होगा और राम मंदिर के निर्माण को लेकर कदम आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान। देखिए विकास जी, इस देश की जनता की जो जरूरत है, इस देश का विकास हो, इस देश में शिक्षा सबको मिले, शिक्षा विकास पर अभी डिटेल में नहीं जाओ, अभी संक्षेप में उल्लेख करो मुद्दे का। एक बात आपको बताऊं, शिक्षा, मकान, दुकान, निर्यात आयात, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए राज्यसभा के बहुमत की जरूरत नहीं, ये तो वैसे भी ये कोई नहीं रोक सकता है। आज मोदी सरकार प्रस्ताव लाए रोजगार देने का, कौन भाई दलाल विरोध? देश संविधान से चलता है अमिताभ जी, देश संविधान से चलता है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। राज्यसभा में आज कहां संकट है रोजगार बढ़ाने के नियम पर? एक सेकंड ओमकार जी मुझे समझाइए, कहना चाहता हूं, एक मिनट भाई आ रहे हैं आपके पास, मुझे समझाइए ना, जो टिकलिश मामले हैं, जो संवेदनशील मामले हैं, वहां पालाबंदी होगी ना राज्यसभा में? राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन पर कहां पालाबंदी हुई? कभी नहीं होगी ना हुई, इसीलिए तो इनको कहा जा रहा है कि 16 तक इंतजार करो, राज्यसभा में बहुमत आ जाए फिर कर देंगे। सबका साथ सबके विकास में राज्यसभा में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, माइनॉरिटी की सरकार भी राज्यसभा में बिल पास करा लेती है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है ओंकार जी।
क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था अमिताभ जी कि जो राज्यसभा में बहुमत आने के बाद भी ये क्या कर लेंगे, ये मंदिर बनाने के प्रस्ताव को ही तो पारित कर पाएंगे। जब कोर्ट में चल रहा है केस तो क्या राज्यसभा का प्रस्ताव पारित होने के बाद कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा? कोर्ट का आदेश तो माना ही जाएगा ना, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कुछ नहीं होना है। और जहां तक चक्रप्राणी महाराज जी कह रहे हैं कि हम गो भक्त हैं या भगवान राम के भक्त हैं, तो अकेले यही नहीं है, हम सब हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिंदू है वो श्री राम का भक्त न हो या गैया को माता का दर्जा न देता हो, ऐसा कोई हिंदू नहीं है। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ही हैं इसके लिए, नंबर एक। नंबर दो, भगवान राम हमारे इष्ट देव, हमने सबके लिए कहा, भगवान की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो भगवान जो है वो दो मिनट में मंदिर बनवा देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलके मंदिर उनका बना देंगे। लेकिन जब कोई एक चीज चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है, उस बीच में जो इस तरह की बातें होती हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से एक आंशिक सहमत हूं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो सकता है कि कुछ लोग धर्म की बात करें, कुछ लोग हिंदुत्व की बात करें और कुछ लोग विकास की बात करें। लेकिन जहां तक ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी का मामला मुझे भारतीय जनता पार्टी से कुछ अलग जाते हुए दिख रहा है और मैं उसी पर कायम हूं। ठीक है, ठीक है। आईपी सिंह जी, फिर वही सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, मेरे सवाल को गौर सुन लीजिएगा, अब मैं समापन की ओर हूं। ये सब बयान भी भगवान ही दिलवा रहे हैं, ये सब राम की प्रेरणा से ही बयान दिए जा रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। आईपी सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास पे मत जाइएगा अभी, क्या भारतीय जनता पार्टी विवादित विषयों के लिए 2016 की प्रतीक्षा कर रही है, जिसमें 370 है, जिसमें कॉमन सिविल कोड है, जिसमें अयोध्या है? मैं फिर दोहरा हूं, कॉमन सिविल कोड, 370, अयोध्या और गोरक्षा, गोवध निषेध, इन चार विवादित मसलों के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी 2016 का इंतजार कर रही है सर, हां या ना? क्या इसका समाधान नहीं निकलना चाहिए अमिताभ जी? नहीं, मैं फिर आज थ्योरेटिकल बहस नहीं, अब समय नहीं ना, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जवाब बचकर समय है। बिल्कुल, धारा 370 समाप्त होना चाहिए, समान नागरिक संहिता भी इस देश में लागू होना चाहिए, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, लेकिन संविधान सम्मो कश्मीर में चुनाव लड़ते हुए इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? मेरा निवेदन होगा जी, अमिताभ जी संवेदनशील चार इन मुद्दों के लिए भाजपा 2016 में राज्यसभा में बहुमत का इंतजार कर रही है, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लिए राज्यसभा में आज भी कोई समस्या नहीं है, आज है, इसलिए हमारे लिए 2015 और 2016 में कोई फर्क नहीं अमिताभ जी, 2016, 17, 18, 19 कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगली भी सरकार इस देश में बनेगी, चिंतित भारतीय जनता पार्टी किंचित मात्र नहीं। भाई मैं पूछ रहा हूं, जापान की बात आप पाकिस्तान जवाब दे रहे, आपको अंदाज नहीं क्या राज्यसभा के अंक गणित का, है ना अंदाज? उस अंक गणित का समाधान जानती है जो सरकार, क्या सवाल पूछा, क्या उत्तर दे लेगा भाई? आरपी सिंह जी, नहीं, मेरी बहस का एक स्ट्रक्चर है, उसी को फॉलो कर लीजिए, सब लोग बड़ी कृपा होगी। मैंने पूछा 2016 में भारतीय जनता पार्टी अगर यही विजय का ट्रेंड जारी रहता है तो वह राज्यसभा में अपने बहुमत पर खड़ी हो जाएगी एनडीए, वो तो आज के हिसाब से ही बहुमत में खड़ी हो जाएगी 2016 में, जितनी सरकारें राज्य सरकारें बन चुकी हैं 2016 जाते जाते हो जाए। वही मैं कह रहा हूं, सुन तो लो, आपने कह दिया आज भी कोई दिक्कत नहीं, आज तो आप राज्यसभा में मुंह के बल गिर जाएंगे, दिक्कत कैसे नहीं? वहां का अर्थमैटिक बदलने में 2016 का इंतजार कर रहा होगा। भाई बात सुन लो ना मित्र, 2016 की प्रतीक्षा करनी ही होगी, चाहे कितना भी प्रभावशाली बहुमत हो लोकसभा में, फिर भी राज्यसभा के लिए चाहे कोई सरकार होती, मोदी जी प्रधानमंत्री, प्राथमिकता में विकास है, विकास। मैं पूछा क्या इन चार संवेदनशील मुद्दों के लिए आप उस अर्थमेटिक के दुरुस्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? किसी प्रकार की कोई प्रतीक्षा नहीं की जा रही है, सिर्फ विकास की प्रतीक्षा हो रही है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था स्पीड पकड़े, 2016 तक आदमी की 2016 तक प्रतीक्षा नहीं, कुछ नहीं होगा, दो रोटी महाराज जी, आप रोजगार में
बहुत कम शब्दों में जी। जी जी क्या मेरा सवाल 2016 तो आईपी सिंह साहब कह रहे हैं किसी बात की कोई प्रतीक्षा नहीं है, हम ऐसे ही रफ्तार से चलते रहेंगे, विकास है मुद्दा, अगर 2016 तक जो आप कह रहे हैं नहीं होता तो क्या? देखिए अटल सरकार में हम लोग गोरक्षा के लिए राम मंदिर के लिए दौड़ दौड़ के हम लोग थक गए और यही कहा गया कि जी अभी वो आ जाने जी, इसमें हम लोग जो मोदी सरकार बनी है इसमें बहुत मेहनत किया गया है और पूरे देश की जनता ने समर्थन दिया है और इसीलिए दिया है कि गो हत्या बंदी हो, राम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काला धन वापस आए और पूरे देश की निगाहें है। और अगर जो 2016 से तो अब आंदोलन प्रारंभ होगा, अगर 2016 में बहुमत होने के बाद नहीं होता तो फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। अभी हम तो हम लोग समर्थन दे रहे हैं कि रात देखिए आंदोलन कैसे होगा और उसके बाद तो 2019 तक तो सुब्रमण्यम स्वामी बोले हैं कि राम मंदिर तो निश्चित रूप से बनेगा, गोहत्या बंदी भी होगा, गोहत्या केंद्रीय कानून भी होगा, काला धन भी आएगा, नहीं आएगा तो ये जाएंगे। ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है। आईपी सिंह जी, राजनीति इतनी सरल नहीं होती, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी अटल बिहारी वाजपेयी भी 2000 के बाद ऐसे चक्रव्यूह में फंसे कि फंसी गए। आपने लखनऊ में बैठ के नहीं देखा होगा, मैंने दिल्ली में बैठ के देखा कि वो किस चक्रव्यूह में फंसे थे। प्रधानमंत्री बैठे होते थे हाउस में और विनय कटियार वहां बेल में आके धरने बैठ जाते थे, प्रधानमंत्री ऐसे सिर पर हाथ रख लेते थे, वो दृश्य हमने देखे हैं। अलग अलग दिशाओं में घोड़े भागते, भाजपा में कोई पहली बीमारी बार थोड़ी ना आई, ये बीमारी रही है बहुत समय से रही है, वाजपेयी अडवाणी जी के युग में भी रही, एक हार्ड लाइनर है जी, एक उदारवादी है जी, ये रहा है, दो अटारी आपने हमेशा रखी। लेकिन शेर की सवारी भी आप जब करते हैं तो फिर हैंडल विद केयर का सिद्धांत तो रहता है। मैं इतने से मामले में चक्रवाणी जी से सहमत हूं, वाजपेयी जी के पास तो बचाव का तर्क था कि ना लोकसभा में बहुमत ना राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू के भरोसे और राज्यसभा में तो जो गुस्ताई था ही, ठीक, उनके पास एक्सक्यूज था कि भाई मैं क्या करूं, चाहूं भी तो क्या कर लूं। आपके पास तो 2016 के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी, तब आपको लाइन लेनी पड़ेगी, तब इस नारे से काम नहीं चलेगा, तब लोग आपसे पूछेंगे, आईपी सिंह जी आपसे मतलब भाजपा से आपसे पूछेंगे कि आपके कार्यकाल में बीफ का जो वो है निर्यात वो 16% कैसे बढ़ गया, तब पूछेंगे, क्योंकि चुनाव में आपने नहीं, आईपी सिंह ने, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, दिनेश शर्मा ने नहीं, खुद मोदी जी ने कहा कि इस कांग्रेस ने गुलाबी क्रांति की, दुधारू पशुओं को कटवा दिया यांत्रिक कत्लगाहों में की ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हर रैली में मोदी जी ने बात कही। तो तब चक्रपाणी महाराज जैसे हजारों लाखों लोग पूछेंगे आपसे कि भाई फिर गौहत्या निषेध पर एक केंद्रीय कानून क्यों नहीं आया, तब इस नारे से बात नहीं बनेगी कि मोदी जी ने कह दिया सबका साथ सबका विकास, तब तो लोग पूछेंगे। ओंकार जी ने ठीक बात कही, आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा क्या नारा लगता था, याद है ना आपको, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। मैंने तो भाजपा के नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर में उनकी रैलियां कवर की जाते ना, यही नारा गूंजता था। आपने चुनाव में 370 पर मौन साध लिया, निपट गया चुनाव, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आप 15 को शायद सरकार भी बनाओगे, शपथ भी हो जाएगी, समझ आती है, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और जब आप भी कहते रहे कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर यही मनाएंगे, तो लोग पूछेंगे नहीं भैया तारीख बताओ, पूछेंगे ना। इन मुद्दों से आप पीछे हटते हैं तो भी संकट में फंसते हैं, आगे बढ़ते हैं
तो आपकी जो आज की प्रोग्रेसिव छवि है आपको लगता है उस पर भट्टा लगेगा, लेकिन कोई तो रास्ता लेना पड़ेगा। दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं रहते 16 के बाद, 16 तक ठीक है भाई, राज्यसभा में बहुमत नहीं है क्या करूं, आज प्रस्ताव लाऊं कल गिर जाएगा, क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे लोग, कहेंगे राज्यसभा की प्रतीक्षा कर लेते हैं, 16 में राज्यसभा का अंक शास्त्र बदल जाएगा, रूलिंग अलायंस का बहुमत हो जाएगा, सत्तारूढ़ गठबंधन का बहुमत हो जाएगा अपर हाउस में, तब तो आपका जो कह दोगे वही कानून पारित, तब सवाल उठेगा। इसलिए मैंने इस बहस को लेकर आया कि स्वामी ने अगर वो कहते कि 15 से हो जाएगा तो मैं उनकी बात को हास्यास्पद मानता, ऐसा ओंकार जी कह रहे हैं, लेकिन मैं ओंकार जी की बात से इसलिए सहमत नहीं, उन्होंने 16 का जो जिक्र किया ना वो महत्वपूर्ण है, 16 ही एक निर्धारक रेखा है इस सरकार के लिए, 16 तक आपके पास एक्सक्यूजेस है, 16 के बाद जो आपका हार्डकोर वर्कर है उसके लिए भी तो कोई तर्क ढूंढना होगा। और अब मैं मानता हूं देश में ये भ्रम नहीं फैला सकते आप कि सोमवार को प्राची आपकी, मंगल को आपकी नहीं, बुधवार को साक्षी जी महाराज आपके एमपी और शुक्रवार को आप कह दो साक्षी जी से क्या मतलब, ऐसे 6 करोड़ सदस्य साक्षी भी सदस्य, ये नहीं चलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी आपके महत्वपूर्ण मिशनों में जब भूमिका अदा करते हैं तो स्वामी जी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो कुछ बोले तो आप कह दो भाई स्वामी जी कौन, उनसे क्या मतलब, ये नहीं चलेगा। जनता जानती है कि कौन आदमी महत्वपूर्ण है आपके परिवार में, कौन नहीं, इसलिए ये सवाल आज लेके आए कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है, और अगर हां तो बोलने का साहस रखिए। आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, अंत के पन्नों पर लिखा, लेकिन लिखा तो साहस रखिए ना फिर बोलने का कि हां ये तीनों मुद्दे हमारे हैं और बहुमत होगा तो हम इन पर निर्णायक पहल करेंगे, नहीं तो मैनिफेस्टो में काय को लिखा, ये तो सोचना चाहिए था पहले, जब शेर के ऊपर बैठ रहे थे तो आपको सोचना चाहिए था ना कि ये शेर है बकरी नहीं, किसका कान पकड़ के कहीं भी आप लिए जाओगे अपने घर में बांध लोगे। इसलिए ये सवाल बार बार उठता है, अगर ये जो लोग बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास से इतर, अगर वो नेतृत्व की सहमति नहीं है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, आपकी बात पर यकीन कर लेगी जनता, 5-7, 10-15-20 लोग एक साथ बाहर कर दिए जाएंगे पार्टी से, जनता मान लेगी कि भाई आईपी सिंह जी जो कह रहे हैं वही बात ठीक है, पूरी सरकार और पार्टी केवल विकास पर आधारित है। और अगर ये लोग बाहर नहीं होते हैं, ये लोग भी उसी घर में सो रहे हैं, उसी आंगन में खाट है इनकी भी, तो देश में लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये भाजपा को तय करना है, मोदी जी को तय करना है, अगर वो चाहते हैं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं ऐसी उनकी राय है तो इन पर निर्णायक कार्रवाई करिए, जनता भरोसा कर लेगी, और नहीं तो फिर जनता यही मानेगी कि ये भी आप ही के हैं और दूसरे भी आप ही के हैं, आप दोनों धाराओं को एक साथ कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह साहब, ओमकार नाथ सिंह जी आपका, इसके अलावा चक्रपाणी महाराज जी आपका भी, अमिताभ जी आपका, इसी के साथ ही इस चर्चा में फिलहाल इतना है।